आगे बढ़ते और आपको बता दें कि उदयपुर के खेरवाड़ा से बड़ी खबर है। खेरवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया है। इसी की आड़ में गुजरात से ले जाई जा रही थी हरियाणा निर्मित अवैध शराब। खेरवाड़ा थानाधिकारी श्याम सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। देर रात कस्बे के बंजारिया नेशनल हाईवे 8 पर नाकाबंदी के दौरान ये कार्रवाई हुई। चालक को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको इस ट्रक के दिखा रहा है, जिसके जरिए इसी की आड़ में अवैध शराब ले जाई जा रही थी। खेरवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया है। कंटेनर की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ये वही कंटेनर है जिसके जरिए एसी की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही थी हरियाणा निर्मित अवैध शराब। खेरवाड़ा थानाधिकारी श्याम सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। देर रात कस्बे के बंजारिया नेशनल हाईवे 8 पर नाकाबंदी के दौरान की पूरी कार्रवाई। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, क्या कुछ पूरी जानकारी और अभी क्या अपडेट है, कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी मैम, ये बीती देर रात 11:30 बजे की कार्रवाई हुई है कस्बे के NH8 बंजारे कट पे। खेरवाड़ा थानाधिकारी श्याम सिंह के नेतृत्व में मुखबिर द्वारा सूचना पर उदयपुर से आते हुए एक कंटेनर की जाँच की, तो जिसमें एसी की आड़ में अवैध शराब के कार्टन पाए गए, जिसे गुजरात ले जाना बताया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक और चालक को गिरफ्तार कर अभी फिलहाल अवैध शराब के कार्टनों की गिनती जारी है। हितेश, देखिए खेरवाड़ा वो एरिया है जो गुजरात से सटा हुआ है, बॉर्डर पर है। अब ऐसे में यहाँ पर ऐसे अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती होंगी? जी, विगत में आपको बताना चाहूंगा मैम, ये 15 दिन में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है खेरवाड़ा थाना पुलिस की। ये इससे पूर्व भी 30 दिसंबर को नव वर्ष को लेकर अवैध शराब के से भरा ट्रक गुजरात की ओर जा रहा था, जब भी खेरवाड़ा थाना पुलिस की यह कार्रवाई की गई थी और ये दूसरी बड़ी कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।